जन्मी जन भूमस्य स्वर्गादपि गरीयसे। जन्मभूमि अथवा अपना देश अथवा अपना राष्ट्र स्वर्ग से भी सुंदर और माँ के समान सुख देने वाला है। देशवासियों के लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि हो, देश की आन बान शान सुरक्षित रहे एवं उसमें वृद्धि होती रहे, यही भावना देशभक्ति कहलाती है। प्रत्येक देशवासी को अपने देश से प्यार होना चाहिए। श्री राम नरेश त्रिपाठी कहते हैं, विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर, विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर। हमारे पूर्वजों ने देशभक्ति के दुर्लभ उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। देशभक्ति हेतु महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खाई। महारानी लक्ष्मीबाई ने कहा, मैं झांसी नहीं दूंगी। मंगल पांडे ने तो सशस्त्र विद्रोह कर डाला। बाल गंगाधर तिलक का नारा था, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आह्वान था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल जैसे लाखों युवकों ने देशभक्ति की कामना को वसीभूत अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। देशभक्ति के कारण ही हमारे सेना के जवान सरहद पर कठिन परिस्थितियों में डटे रहकर शत्रु देश से हमारी सुरक्षा करते रहे। हमें पूर्वजों से अपनी प्रेरणा लेनी चाहिए। हम ना सोचें हमें क्या मिला है, हम ना सोचें हमें क्या मिला है, हम ये सोचें किया क्या है अनपढ़। हम यह विचार करें कि देश को हमने क्या दिया, क्या हम एक जिम्मेदार नागरिक बन पाए, क्या देश की एकता अखंडता समरसता एवं समृद्धि हेतु अपना योगदान दिया। तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश की माटी तुझे कुछ और दूँ। देश की पीढ़ी के प्रत्येक युवा में देशभक्ति का यह चिंगारी होनी चाहिए। तेरी मिट्टी में मिल जावा, तेरे खेतों में लहरावा, बस इतनी सी है दिल की आरज़ू। अंत में मैं अपनी बात राज कवि मैथिली शरण को की देशभक्ति से भरपूर सुंदर पंक्तियों के साथ अपना कथन समाप्त करूंगा। जिसको ना निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, जिसको ना निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा और मृतक समान है। वंदे मातरम, भारत माता की जय।